अरे दीदी, कैसे उदास बैठी हो, कैसे परेशान सी लग रही हो, क्या हो गया तुम्हें? और कितने दिन हो गए, मैं देख रही हूँ तुम्हें बहुत दिनों से। तुम अपनी ससुराल भी ना गई हो और तुम्हारे हस्बैंड के भी दर्शन वर्शन ना हुए। कैसा है वो, क्या करे, कुछ करे ना करे, तुम्हें लेके जावे ना जावे। बहन कुछ मत पूछ मेरे बारे में, तो कुछ मत पूछ बहन, बस मेरे बारे में तो अब मैं क्या बताऊं तुझे अपनी। अच्छा, क्या हो गया? जिस दिन से मेरी शादी हुई है, हाँ, उस दिन से तो लेने नहीं आता। क्यों? अपने मम्मी और पापा की बात मानता है। अच्छा, मेरे माँ बाप ने जितना भी उनकी हैसियत थी उस हिसाब से उन्होंने दहेज दिया और दहेज मांगता है। अब तू बता मैं कहाँ से लाके दूँ। अच्छा, दहेज की बात है? दहेज की बात, तो तुम टेंशन मत लो। बस जिस दिन से शादी हुई है बस उसी दिन गई थी, फिर लेने नहीं आया मेरे को। अच्छा, छोड़ के चला गया? छोड़ के चला गया, कभी ये भी नहीं पूछता कैसी है। अरे नहीं, बस पूछ मत तू मेरे बारे में। तो चिंता मत करो दीदी, अब तुम क्या चाहती हो, उसके पास रहना चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ वो मुझे लेने आए और मेरे इशारों पे सारा परिवार नाचे। अच्छा, मम्मी भी बात माने, पापा, और वो भी मेरी बात माने। तुम टेंशन मत लो, आराम से रखे जितने मैंने दुख सहे ना यहाँ, अब वो मुझे उतने ही ऐसो आराम कराए। अच्छा, तो फिर चलो, मेरी एक दीदी है, अच्छा मतलब मेरी एक फ्रेंड है, उनके पास चल रहे और उनते मैं तुम्हारी जुगाड़ बढ़िया बनवाऊंगी और वो ऐसा चक्कर भी मैं वहां फंसाऊंगी, माने जितने तुम्हें दुख दे बातें ज्यादा वाय दुख दे देंगी वो। अच्छा, और बातें दुगनी तुम्हें खुशी दे देंगी। ऐसा करवा देना बहन, चलो जिंदगी भर ऐसा ना भूलो। चलो तो फिर, तुम टेंशन मत लो। चल चलो चल। अरे उज्मा बाजी है का? अरे घर में ही रहूं मैं, बता क्या हो गया, कैसे आई? अरे उज्मा बाजी, बात ये थी कि मेरी एक जे दीदी है पड़ोस में रेवे। अच्छा, और जे बहुत दिन आते, मतलब इनके पति लेने ना आ रहे और बहुत परेशान करते हैं, बहुत मारते हैं, दारू भारू पीवे। तो तेरे से उसकी मुंडी पकड़ के कुंडी में ना दी जाए, तेरे हाथ पैर में जान ना आए क्या? दीदी क्या बताऊं, मेरे पे झांकता तो है ना, मेरी तरफ झांकता तो है नहीं, मेरी तरफ बता, ऐसे परेशान कर रखा? बहुत दुखी हूँ मैं, बहुत ज्यादा। अपने सर ना जो बच्चों कुछ बाल है उसके, गंजा हो जाएगा वो, पागल हो जाएगा, तू परेशान मत। ऐसा करवा देना बहन जी तो बहुत ही ऐसा, बिल्कुल करवा देंगे, तू हमारी छत्र छाया में आ गई, बढ़िया हो जाएगा, परेशान। अब तुम बता दो क्या चाह रही हो, मतलब आगे संग रहोगी कि ना रहोगी, कैसे का व्यवस्था है, बाकी पास जाओगी तो बता दो, जो सब व्यवस्था कर देंगी। नहीं, घर भर में कैसे चाह रही है सब? देखो मेरी बात सुनो, मैं ये चाह रही हूँ, मुझे जिस दिन से वो छोड़ के गया है, लेने तो आया नहीं है। अच्छा, बहुत दुख झेल रही हूँ मैं यहाँ पे, गरीब माँ बाप है मेरे, कब तक झेलेगा, कब तक उनकी बोझ बनती रहूंगी, आखिर में उन्हें भी एक दिन जाना। मैं ये चाह रही हूँ मुझे इज्जत से लेने आए और इज्जत से अपने घर में रखे और मेरा राज चले उस घर पे। तू काय को चिंता कर रही हमारे, मैं ये चाह रही हूँ मेरे इशारों पे नाचे वो। बिल्कुल नाचेगा इशारों पे, तू देख अब तेल देख, तेल की धार देख और उसके तो नाच देख, फिर कनी की तरह ना घुमा दिया उसे उसके परिवार को, तो तू कहिए कोई बाबा फावा है क्या, कोई बाबा फावा के दौर ले जाओगी? हम बाबा हमारे पास आ, हम बाबा के पास जाएंगे। अच्छा? अगर हम ही बाबा के पास जाने लगा तो हम जैसे को तुम लोग कहाँ पूछ रहे हो फिर? हाँ ये तो सही कह, बाजी ऐसा चक्कर व्यू रस्ती है, उस चक्कर व्यू में अच्छा अच्छा फंस जाए। हाँ बाबा तो बहुत दूर की बात है, बाबा का बाप भी फंस जाए। मुझे अगर ये पहले मिल जाती तो इतनी काय को मेरी लाइफ बर्बाद होती। अरे तो तू पहले क्या मिल जाती, जाती जब तेरी दोस्त सहेली है इसके पास जाती, जरा झुक अपना दुख बोलती बतरी। ये मेरे को दिखी ना, ये मेरे को दिखी नहीं थी, आज दिखी गई है ये मेरे को, मैं बैठी बहुत दिनों में दिखी, कहाँ थी तू? अरे बाजी मैं आई गई इनकी तरफ ही, जा रही नल पे पानी भरने, मैंने कहा अरे जे तो रोज दिखी दिखे बैठी भाई, मैंने कहा जे ससुराल ससुराल न जा रही, कहाँ चक्कर है? मैंने पूछ ली तो मैंने कहा ला जा, अगर कोई परेशानी है तो बाजी के पास लेके चलूंगी और आपको काम सिलटाना चाहिए। अरे दी बेटी की शादी है गई तो अपने घर अच्छी लगे। तूने ये तो पुण्य कमा लिया, तो टेंशन न ले। चलो बाजी करो व्यवस्था फिर बाकी। तू मेरी बात सुन ले, बताओ तेरा मियाँ आ सके तेरे घर पे बुलाने या मतलब किसी बहाने आ जा, चाय पानी कोई पूछ ले। वो तो मेरी तरफ देखता भी तो ना है, आने की तो बहुत दूर की बात रही, अब कैसे बुलाऊं उसे? अरे बाजी बुलाने की बात है, मैं बुला तो मैं लूंगी, तुम टेंशन मत लो। अरे जाको पूरा खानदान देखो है। अच्छा? मैं गई जाकी बारात में। अच्छा गई तू? हाँ, ब्याह में गई मैं जाके। तो बस तो फिर ऐसा कर, तू अपने मियाँ को बुला, मैं बुलाऊंगी जाके मियाँ। तो ये बुला सके इसके कहने में, ये कैसे भी बुला देगी। अच्छा? पर मेरे
मैं ना बुला सकूं। चल तो कोई नहीं, साली के बहाने तो आ जाएगा। वो मुझे देख के 10 कदम दूर भग जावे। अच्छा ऐसा है? अरे वो 10 कदम करीब में आएगा, तेरा हाथ पैर दबाएगा, बोला तू टेंशन ना ले। ऐसा हो जाए? जो बात कह रही हूँ वो बात सच्ची निकलेगी। अच्छा वो तो होने के बाद ही पता लगेगा। अरे पता चल जाएगा तुझे, तू भी ना कहे तो कहिए। ठीक है तो आप तो इसके मियाँ को बुलवा ले रही। मैं लेके आ रही हूँ बुला के, तुम जा अपनी बात सिलटा दो, समझा दो। हाँ ये तेरा काम है। ठीक है देख बहन, बुला के लाइए। हाँ? मैं भरोसा कर रही हूँ तुम दोनों पे। हाँ? तू टेंशन मत ले जीजी, मैं जा रही हूँ, तुम दोनों अपनी व्यवस्था करो और क्या करना है। और जब तक मैं जा रही हूँ, और जब तक मैं वहाँ बुला के ला रही हूँ। चल ठीक है तू जा। अब तू मेरी बात सुन, जब तेरा मियाँ आ जाए, बढ़िया सा चाय नाश्ता जरा अच्छे से तैयार वैयार होकर, अब वो बकरे, एक बकरे का बच्चा मिल जाए कहीं से, बकरी का, बकरे का मिल बच्चा, छोटा सा खूबसूरत सा जो दिखे अच्छा। हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। बस वो जहाँ पे वो बिठा ले तू अपने आदमी को, अच्छा उसके पाए से ही उसकी रस्सी बांध दी है बकरी के बच्चे की। अच्छा बस अच्छा। जब वो बकरी का बच्चा तू बांधवा देगी, बांध देगी, फिर मैं एक को भेज दूंगी पैसे देकर, मेरी निगाह में है एक, उसे भेज दूंगी मैं पैसे देकर। और वो क्या कहते हैं, उस बकरी के बच्चे की तारीफ करेगा। अच्छा हाँ, कि ये बकरा तो बोलने वाला है, बच्चा बनेगा ये बहुत खूबसूरत बनेगा। अच्छा हाँ, वो कीमत लगा जाएगा 1,00,000 रुपए। हाँ 1,00,000 रुपए। हाँ सुनती रह, 1,00,000 लगा देगा, तू सीना चौड़ा लिए। अच्छा बिल्कुल अकड़ में चुटकी बजा के, बिल्कुल टसन में आ जाइए। ठीक है और उससे कहिए 1,00,000। अच्छा भैया मैं 1,00,000 में ना बेचूंगी, तू मुझे इसके क्या गुण बता रहा, मुझे तो इसके सारे गुण पता। हाँ ये 1,00,000 का ना 1 करोड़ का बकरा बिकेगा, वो तो कहेगा 1 करोड़ का, तू कही मुझे पता है। अच्छा। तू मुझे मत बता, 1 करोड़ का बिक जाएगा, बिक जाएगा बड़े होके। अच्छा 1 करोड़ का, और 1 करोड़ का नहीं 2 करोड़ का बिकेगा, थोड़ा और बड़ा हो जान दे 2 साल बाद। हाँ। ये 2 करोड़ का बिकेगा। अच्छा हाँ अपनी मियाँ के सामने ही करियो। ठीक हाँ, जो भी कुछ करना बकरे को उसके सामने थोड़े बिस्किट थोड़ा थोड़ा अच्छे से रखियो, जो वो भी तेरे साथ भी उसकी भी सेवा चले। अच्छा, बढ़िया रहेगा तेरा, बढ़िया रहेगा हिसाब किताब। हाँ अच्छा मेरा देखो मेरा हो जाना चाहिए, तू टेंशन मत ले। अब वो चला जाएगा वहां से, फिर उसके बाद जो तेरा मियाँ जय राम कथा सुनाएगा वो तुझे पक्का 100% लेके जाएगा। अच्छा। लेकिन हाँ तुझे वहाँ ससुराल में पहुंच तो जाएगी। हाँ। पक्का ले जाएगा वो तुझे। हाँ। लेकिन अपने तेवर हल्के नहीं करने। अच्छा हाँ रोब झाड़ना, रोब झाड़ना है। हाँ और एकदम मत चलिए, चलो 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 ऐसे मत करियो। अजी आप बोल, अब तो पहले नहीं तुमने मेरे बारे में सोचा, अब क्यों ले जा रहे हो, अब कैसे प्यार उमड़ पाया, और अब भी मेरी दोस्तों में बुला के लाइए, तुम क्या खुद से चल कर आए। हाँ, थोड़े नखरे, थोड़े गुस्सा गुस्सा करूँ थोड़ा उससे। हाँ, ऐसे मत जाइयो। हाँ, जब तक मक्खन है तेरा कदमों ना गिर जाए। हाँ, तब तक जाइयो मत, चिंता मत करो तुम। अब वहाँ जाने के बाद उस अपनी अम्मा से वो खुद करवाएगा तेरी, तू बिल्कुल नाक ऊंची रखिए, बढ़िया तरीके से रहिए, चिंता मत ना करो। हाँ, तुम बिल्कुल बिल्कुल अदा, तुम मुझे बताती जाओ क्या क्या करना। बस तू ये काम कर, फिर तो आगे कहानी बन जाएगी, तू वहाँ तेरा आदमी खुद देख लेगा, टेंशन मत। ठीक है तो ठीक है जी जी, राम 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 राम। अरे हमारे जीजाजी है का? अरे जीजाजी कौन है? अरे जीजाजी, अरे कौन है कौन? अरे बाहर को आओ निकल के, कैसे कोने कोने कर रहे हो भीतर से ही? हाँ बता क्या बात है? अरे कब बाहर ना आओगे? ए तो बाहर कैसे बाहर निकल के आए, मतलब बाहर तो आ तो गए हम। अच्छा मैं यो कह रही जीजाजी। हाँ? और जीजी के हालचाल कैसे हैं? कौन सी जीजी? अरे तुम्हारी पत्नी। अरे यहाँ पे ना रहे, वो अपने घर पे रह रहे हो? अरे ये तो अबे हूँ पता, वो अपने घर पे लेने पहने ना जा रहे, कहाँ दिक्कत है, कैसे परेशान हो, कैसे परेशान कर रहे हो? हम ना जाएंगे लेने, हमारी माता जी ने मना किया है, हम ना जा रहे। अरे माता जी फाता जी की बात छोड़ो, कैसे व्यवस्था भंग हरी है तुम्हारी, बताओ तो सही ना, बात तो बताओ। अरे तो हमें कुछ दिया तो है ना, होना नहीं बाजे सब कर लिए दिया कठो ना भाई। अरे ना ऐसी बात ना है, ऐसी बात ना है, तुम्हें कैसी बात है? अच्छा तो तुम्हें कहाँ चाहिए हमें बताओ। सब चाहिए हमने तो बता दी उन्हें कि टीवी चाहिए हमें तो, मोटरसाइकिल भी चाहिए और ये चाहिए, सब बता दिया, पका सुना दियो उन्होंने तो, पता नहीं कितने कितने वादे किए हमसे। अच्छा? सोना भी देंगे के चांदी भी देंगे के फलाना देंगे के कछु ना दियो बाने। अरे ना है तो तुम सुनो, तुम एक काम करो, हमारे संग चलो जी जी के जहाँ, और हम तुम्हें दुबांगे सब कछु। पिताजी ने मना करिए हमारे, हमने जा रहे। अरे तुम पिताजी को छोड़ो पीछे, अपनी हम सफर को देखो, अपनी पत्नी को। हम ना देख रहे, माता जी मारेंगी हमारी। अरे तुम्हारी माता जी की ऐसी की तैसी, तुम चल रहे कि ना, तुम्हें सवरो दहेज दुबाऊंगी, पक्की बात है, देख लो दबाओगी सारे सारे सामान दबाओगी। मत लो
देखो फ्रीज दबाऊंगी, कूलर है, हाँ, हाँ, और वो कूल और मोटरसाइकिल। अरे मोटरसाइकिल को तो छोड़ो, फोर व्हीलर, फोर व्हीलर भी दिलाओगी? अरे हाँ, फिर तो हम सब सब बैठ के घुमा करेंगे वहाँ में। हाँ, फिर तो मौज मार करियो, देख लियो, ऐसा ना हो के फिर तुम माता जी हमारी कहेंगे क्या कर दिया तेने। अरे तुम माता जी फाता जी तो कछु मत कहो, फिर और तुम मेरे संग चलो जी जी के जा। अच्छा चलो, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा, तो मैं सामान दबाऊंगी, सब बातचीत करूंगी, मैं दबाऊंगी, पक्की बात है, देख लो। हाँ, मेरी जिम्मेदारी है, मुझ पे विश्वास नहीं है। ना विश्वास तो तुम पे है, लेकिन मैं पता नहीं, समझ में ना रही, पैसा तो है ना उन पे। अरे जीजा जी कह रही हूँ तो कुछ सोच के ही कह रही हूँगी। अच्छा चलो चलो चल रहे, चलो 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 चलो, मैं माता जी से पूछ रहा हूँ। अरे तुम्हारी माता जी से पूछे में टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट चल लो, फिर बाद में माता जी मारेंगी हमें। अरे ना माता जी मारे ना पापा जी मारे, तुम इतने करोड़पति है के आओगे? अच्छा करोड़पति है? अरे ऐसी बातें मत करो। अरे जल्दी चलो, फोर व्हीलर में आइयो बैठ के फिर। अरे तो चलो चल रहे वहाँ पे, वहीं पे चल रहे। हाँ जल्दी चलो, आ जाओ, चलो चलो चलो। अरे जी जी है का? हाँ आती हूँ। अरे जी जी, हाँ देखो मैंने तुम दे कही जीजा जी लेके आऊंगी, और ले तुम्हारे पति देव आए गए, अपने पति देव की ने सेवा पानी करो, और मैं पानी भानी ले आऊं जीजा जी को। तो वो बता के रही हूँ इनको, वो जो तुमने वादा किया हमसे। अरे तुम चिंता मत करो जीजा जी, नाश्ता फास्ता करोगे ना, मैं पानी भानी ले आऊं। तुम जी जी तो प्यारी प्यारी ने दो चार बात करो ने, अपनी सेटिंग फेटिंग बनाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है जी जी, पानी ले आऊं। ठीक है। अरे सोनिया, हाँ क्या हो गया? कुछ ना बाजी। अरे ये कौन है? ये ही तो है वो मेरे पति। ये हैं जी? अरे ये दामाद जी हमारे। हाँ ये ही है तुम्हारे दामाद जी। अच्छा हाँ। दामाद जी राम राम। राम 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 राम। अरे दामाद जी एक बात बताओ, तुम्हारे नखरे कैसे हो रहे हैं? हमारे कोई नखरे ना हो रहे, हमने तो जो कही वो हम वही बात पे अभी हैं। तो ये कौन है, हमें ना जाने तुम्हें? अरे सीधे मुंह बात भी ना कर रहे, बड़ी अकड़ आ रही है दामाद जी तुम में तो। हम आए गए बस, वो बुला लाई हमें, तो हम आते ना आया। उन्होंने पैदा करा, पाल पोस के बड़ा करा, इसलिए करा था कि शादी करते ही दहेज का ही लग्गा लगाओगे, कोई लगाव ना रहेगा लुगाई से। अरे तो दहेज तो इन्होंने तो खुद ही पैदा किया, हम तो दिया ना इन्होंने कुछ। जो था उन्होंने दिया नहीं क्या तुम्हें? तो जो भी था तो कहाँ दिया हमें वो? अरे दामाद जी ये बात तुम्हारी गलत है, ये हमें बात तुम्हारी समझ में नहीं आई दामाद जी। क्या क्या गलत है? दुनिया दहेज न लेते है? अरे दुनिया दहेज ले कि दुनिया कुएं में कूदेगी तो तुम भी कुएं में कूदोगे। तो वादा तो उन्होंने किया, हमने थोड़ी कहा। तो तुमने क्या वादा करा कि मैं दहेज लेके ही प्यार करूंगा लुगाई से, बिना दिए दिए प्यार ना करूंगा लुगाई से? तो ऐसी बात ही क्या हुई अभी? ऐसी बात क्या हुई, लेके ही कब गयो? तो प्यार करने का कराने का मौका ही कब दिया तुमने लौंडिया को हमारी? तो कैसे क्या क्या करें बताओ? लौंडिया को लेके जाओ, जरा सेवा पानी का मौका दो अपने। हाँ तो देख तो हाथ का मेरे फिर आ जाएगा। हाँ तो इन्होंने वादा किया हमें दे दे, हम ले जाएंगे, हमने कम नहीं किया। परेशान न हो दामाद जी, अब हम खड़े हैं यहाँ, हम दिलाएंगे तुम्हें दहेज, जो तुमसे वादा हाँ हो तो सारे वादे पूरे। हाँ तो दहेज दिलवा दोगे तो लेके चले जाएंगे, हमारा क्या? अरे दामाद जी फिर वही बात कर रहे हो, हम तुम्हें दहेज दे के ही भेजेंगे। देखो ऐसा, हमारे पिताजी की और माताजी की नाक का सवाल है, हम ना लेके जाएंगे। अच्छा हाँ। तुम नाश्ता पानी करो, तुम दहेज लेके ही जाइयो, बस बात खत्म करो तुम, है ना? हाँ तो फिर ठीक है हम ले जाएंगे। हाँ नाश्ता पानी करो तुम, जल्दी चल दामाद जी को नाश्ता पानी करा, जरा तू खिला पिला। अरे दामाद जी को नाश्ता वास्ता तो दे। लो चाय पी लो। मैं नहीं करूँगा, देख लो। अरे दामाद जी, ये तो तुम्हारी बात मुझे सही नहीं लगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी तुम्हारी बात। क्या गलत बात है इसमें? कितनी टेढ़े मुँह से बात कर रहे हो तुम हमारी छोरी से? तो मैं तो अभी लेके गया हूँ मैं इसको। अरे तो लेके नहीं गए, शादी तो हुई है, साथ फेरे तो पड़े हैं। तो जो सामान इन्होंने कहा था वो दिलवा दो, हम ले जाएंगे। अरे भैया ये दामाद जी तो बड़ी कर रही घुट्टी पिलाई है इनके घर वालों ने, देख लो। सामान पे ही मोहब्बत आगे टिकेगी क्या? तो क्या करूँ, बात तो करो सीधे मुँह कम से कम। हाँ तो भैया क्या बात करूँ तुम्हें? बता रही बता क्या बात है इनके मुँह पे, बता तू क्या बात है, कैसे टेढ़ा टेढ़ा बोल रहे हैं तेरे से भी? ये मुझे लेने भी नहीं आते। अच्छा कई साल हो गए घर में पड़े पड़े, मेरी तरफ सकल भी नहीं करते ये। बताओ ये दामाद जी तो सकल तुम्हारी तरफ करके क्या करें हम? एक बात बताओ, तुम श्रीदेवी हो? कौन? मैं हो तुम्हारी तुम? बीवी हूँ बीवी। हाँ तो दहेज दे ना, तो बीवी किस बात की लेके ना गए हम? दहेज के पीछे मर जाएंगे ये तो किसी दिन। एक बात बताओ दामाद जी,
शादी होते ही इंसान दहेज पे ही मरता है। अरे लुगाई के भी तो कुछ गुण देखे जाए। अरे देखो ऐसा, अरे हमारी बात सुन लो, हमारी बात भी सुन लो। हमारे माताजी ने कह दिया जहन नहीं आएगा तो बहू घर में नहीं आएगी। हमारे पिताजी ने कह दिया डंडा लेके बैठे वो। और तुमने अपना कलेजे में पत्थर रख लिया, तुम्हें लुगाई की चाहत ना आ रही तो हमें पत्थर ना आ रही। अरे मारेंगे वो हमें, हमने लेके जा रहे थे। दामाद जी इतना भी चमचा बनना अच्छी बात ना है। चमचा की बात ना, ये चमचा गिरी जा रहा है। चमचा की बात ना, ये बात हमने लेके जा रहे ना। ये लिया अपने आपको श्रीदेवी समझे, जो इसकी तरफ देखे हैं हमने, देख रहे तो श्रीदेवी से कम भी ना हूँ मैं। हाँ तो तुम माधुरी दीक्षित माधुरी दीक्षित खड़ी है, मुझे दिव्या भारती जैसी लगू अभी भी। दहेज के पीछे मर मत जाइए किसी दिन। तो मर अभी तो लेकर ना गए, दिलवा देते तो ले जाते अब तक। माँ बाप ही जिंदगी ना काटे तेरी, जिंदगी मेरे साथ ही कटेगी तेरी, समझ में आ गई ना। ना तो मध्य जहेज हम दूसरी कर लेंगे। दूसरी दूसरी से क्या मांगोगे, हेलीकॉप्टर है? तो जो देंगे वो पिताजी हमारे करेंगे। ट्रेन मांगोगे हमारे पिताजी करेंगे। दामाद जी ये बात तुम्हारी गलत है बिल्कुल। ये मुझे कतई तुम्हारी बात पसंद ना आई, बिल्कुल ना ही पसंद ना, बिल्कुल ना अच्छी लगी मुझे तुम्हारी बात। ये ढंग अच्छा ना है। बकरे वाला बकरे बेचो बकरे ले लो। अरे हमारे यहाँ भी एक बकरा है। रुक जाइयो भैया। हाँ बहन जी बोलो क्या हो गया। भैया हमारे यहाँ भी एक बकरा है, इसका ये देखना है कितने में बिक जाएगा। हाँ भैया बता रहे, बताइए कितने में बिक जाएगा बकरा इसका। हाँ बहन जी ये वाला बकरा मैं पहले भी देख के जा चुका हूँ, ऐसे बेचो मत, ये बहुत कीमती बकरा है ये। अच्छा? तुम बेच के गलत कर रही हो इसे। भैया ऐसा इसमें क्या है आज तू मुझे ये बता के जा। अरे ये इंसानों से बातें करता है बकरा। तो तुझसे बात करेगा तू, एक बार करके देखा। हाँ बिल्कुल बात करेगा। अच्छा नहीं बकरा देख, बकरा लिया। अच्छा जरा देखो, देखते बेटा बताइयो जरा अप्रैल के बाद क्या है, बताइयो। देख लो अप्रैल के बाद बता रहा मई आवे, देख लो। तो सही के ऐसे ऐसे बेच मत दियो, लाखों करोड़ों का बकरा है ये। इसको तो दुबई के शेख खरीदने आएंगे, सऊदी अरब से वो राजा खरीदने आएगा इसको। अच्छा भाई बस तो देखो ऐसा मैं बहुत दे दूंगा इसके, तो दे दूंगा 20-25 हजार। ये कितने क्या कह रहा है बकरे वाला, ये क्या कह रहा बकरे वाला। हाँ ये बकरे वाला इसके गुण बता के गया दामाद जी। हाँ इसके भाग्य बता के गया। ये बकरा बिकेगा करोड़ों का, 2 करोड़ का ना बिके, एक साल बाद तो कहेंगे तुम दामाद जी मेरी छोरी के जो दिन जा रहे हैं वो जा रहे। हाँ ऐसे लखपति तुमने लेके जाओ। हाँ ऐसे बढ़िया लौंदे तो इसकी शादी कराऊंगी, दहेज से कार दूंगी। बात तो सुन लो, मैं पिताजी से बात करूंगा। अभी तो तुम तो नाराज हो जा रही हो, मैं बात करने का मौका दो। मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश कर ली दामाद जी, तुम समझ रहे हो। अरे तो ये कौन है भाई, इन्हें जरा बाहर करो, मुझे बात करनी है। ये मेरी माँ जैसी है, माई है, माँ जैसी भी ना है ये मेरे दुखड़े में रो में। इतनी तो दिखाना है कि माँ जैसी बना रखा तूने। तो इसे भी पसाने के बड़े हो। हाँ। हाँ। अच्छा एक सम्मान हो गए। तो मैं ना किसी से बात करना चाह रहा हूँ बीवी से अपनी। तुम जरा अकेले में बात करनी है, बीवी है मेरी। कोई बात ना बाजी, तुम थोड़ी साइड में हो जाओ। हाँ चल ठीक है मैं जा रही हूँ, कर लो। दामाद जी सुन लो एक बात मेरी। हाँ अगर तुम्हारा दिल ठुके तो लेकर जाइए मेरी छोरी, बनना मैं अपनी छोरी को गुलाम बना के ना भेजने दूंगी, बिल्कुल ना जाएगी मेरी छोरी। तो बात तो करने दो। गुलाम बन के ना जाएगी तू, बिल्कुल मैं जा तो रही हूँ। तो बात तो करने दो, कतई ना कटवाऊ। हाँ चल ठीक है मैं तो जा रही हूँ। देख देख सुनिए ऐसा है, तू जहेज मत दिलवा, तो एक काम करिए बकरा ले जा अपने साथ। और ये बकरा जो है ना हम साल 2 साल पालेंगे इसे, और फिर जो है इसको हम जो है बेच भी लेंगे, फिर गाड़ी भी खरीद लेंगे, नोएडा में खरीदेंगे कोठी। मैं नहीं जाने वाली, मैं बिल्कुल नहीं जाऊं। और मुझे एक चीज और बताओ, अब से पहले तो इतनी इज्जत से बात नहीं करी, तो अचानक इतनी इज्जत कैसे करने लगे मेरे से। बात तो सुन ले, मैं क्यों सुनूं मैं बात, तुमने मेरे तरफ आँख उठा के भी नहीं देखा। अरे देख, मैं नहीं सुनती तुम्हारी बात। देख तुझे तो पता है भाई, हम जितने तुमने मुझे दुख दिए हैं उससे जा, मैं वो बदला लेना चाह रही हूँ। अरे तो मेरी बात तो सुन ले। देख मैं कभी स्कूल तो गया ना, पढ़ा लिखा तो हूँ ना मैं, तो वो तो मुझे पता ही है ठेठ गंवार। तो नौकरी तो लगेगी ना मेरी। हाँ। तो मेरे पिताजी ने सोची की कहीं से पैसे आ जाएंगे, जहेज मिल जाएगा लौंडे की शादी करके, तो काम चल जाएगा लौंडे का, इसलिए
अब देखे, अरे मेरी बात सुन ले, मेरी ये बात पहले मेरी... ना आई समझ में, अरे ये बात पहले समझ में ना आई, इतने दिन तक मुझे ये कहते रहे कि पीयर में क्यों पड़ी है, नाराज ना हो और तेरी आरती उतारू। ए यार मेरी बात सुन ले यार, क्या सुनू बात, क्या सुनू बात, बात नहीं सुनती। अरे डार्लिंग बात तो सुनने, तुझे लेके जाऊंगा दे बात, तो मैं यो कह रहा हूँ। देखिए बकरे को लेकर जाएंगे हम, साल दो साल की करेंगे सेवा, और साल दो साल बाद ये बकरा जो है ना, देख बोलता तो है तुझे, तूने देख लिया, उन्होंने जो बहन जी खड़ी है उन्होंने बोलवा के दिखवा दिया। अच्छा, तो साल दो साल बाद से किसी बड़े से दुबई के सेब को बेच देंगे, और नोएडा में खरीदेंगे कोठी, और एक खरीदेंगे कार, और एक खरीदेंगे बढ़िया सी मोटरसाइकिल। अच्छा, और उसके बाद हम लोग जो है ना, सब लोग वहाँ पे सुखी शांति से रहेंगे, और पिताजी जो है, माता जी जो है, उनको ये गांव में छोड़ जाएंगे। तो पहले मैं अपनी बाजी से बात करूंगी, उससे पहले कोई कदम ना उठाने की हूँ, क्योंकि उनने मेरी जिम्मेदारी ली है। हाँ, मेरी तो... मम्मी पापा तो है नहीं, उन्होंने ही मेरा जैसा कुछ है शादी ब्याह उन्होंने ही करी है मेरे। तो पिताजी से बात तो मुझे भी करनी पड़ेगी। हाँ। तो एकदम से थोड़ी जा, हो जाएगा। तो पिताजी तो तेरे अब भी दिमाग पे चढ़ रहे हैं, मैं तो अपनी बाजी से इसलिए बात करूंगी क्योंकि उन्होंने ही मेरा इतना सब कुछ करवाया है। पिताजी को मैं समझा लूंगा, चिंता मत कर। तो एक शर्त पे, पिताजी की गैल ना रहने की हूँ मैं तेरे, मतलब तेरे परिवार को नहीं करूंगी मैं स्वीकार। अरे तू चिंता मत कर, तू कहोगे गल मत रही हो, तू तो मेरे गल रही हो। और रहूंगी तो कुछ काम नहीं करूं घर में, और रानी बन के रहूंगी, तुम सारे नौकर बनोगे मेरे। अरे के तू चिंता मत कर, तू बस हाँ कर दे, तू मेरे साथ चलने को राजी हो जा, और ये बकरा लेकर चलियो साथ में। हाँ रुक जा, तो पहले मैं उनसे बात कर लूं अपनी बाजी से। अरे बाजी तो कही रही कि ले जाओ। हाँ चल ठीक है, तो बाजी को बुला दो, फिर पूछ लो, कोई बात ना, मैं बात करता हूं। कोई बात नहीं, चलो तो फिर चलो। अरे बकरा लेके चलियो साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, ये बकरा लेके चले। हाँ ठीक है, अब तो बुला ले बाजी को। ठीक है, बुला रही हूँ। तो अरे जा रही है क्या बाजी? ये कह रहे हैं जाने की। जाने की कह रहे हैं? हाँ। अच्छा हाँ, क्या क्या शर्त रखी पहले ये बता, तू मुझे ऐसे ना भेजूंगी मैं। ये कह रहे हैं हाँ। कि ये बकरा लेके चलिए साथ में। अच्छा हाँ, और माँ बापू को गांव में ही छोड़ देंगे। अच्छा, हम दुबई में रहेंगे मकान कोठी बना के। अच्छा, अरे बाजी हाँ। अब ये लेके जा रहा है तो इसे लेके जान दो। अच्छा, अब फालतू में फटे में टांगना आड़ा हो क्यों? कि बात बन नहीं है तो बन जान दो, कभी हम दोनों के ज्यादा लूट मचाने थे, कभी बात बिगड़ जाए, जान दो जान दो। अरे दो चार साल रहेगी, एक साल की तो तुमने कही है, बालक बच्चे आ जाएंगे, फिर कहीं ना जो छोड़ने लगो। जब तक तो अपने झांसे में ले लिए, जब तक तो तू प्यार में, अब तो जो तेरी गुलामी तो करेगा करेगा, तो जाहिर सी बात है तेरे पास भी आएगा। क्या बात हो रही है अपनी छोरी को भेज रहे हैं तो सही तो चिंता मत करो, मैं बहुत प्यार से रखूंगा, बहुत प्यार करूंगा। जब शिकायत का मौका ना दियो। ना ना ना, बिल्कुल चिंता मत करो, कतई छोरी परेशान करी। अरे तुम चिंता मत करो, पल्लम को लौट लाऊंगी, याद रखियो। ये बकरा ले चलियो बस। अब जीजा जी मेरा वादा पूरा है, अब तो ठीक है। हाँ हाँ ठीक। अरे तू तो बहुत बढ़िया निकली, मुझे पता ही ना तू इतनी बढ़िया। देख लो जीजा जी, दीदी ये जो आई है दीदी, ये भी बहुत बढ़िया छोटी। हाँ तो एक छोटी थाली मिल गई, एक बड़ी थाली मिल गई, जाना का। हाँ देख लो, मेरा तुम्हारा बाद पौआ फिट करवा दो। हाँ बस ठीक है, ये बकरा जरूर दही हो लेकर। हाँ हाँ, तुम ले जाओ बकरा, ले जाओ बकरा, वारी ले जाओ, सब ले जाओ, अपने परिवार में जा। ठीक राम राम, राम राम जी जी जा। चलो जी, राम राम, राम राम, ठीक है, राम राम, राम राम, राम राम। ये बकरा मुझे दे दो। ना 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 ना, बकरा नहीं हुआ, किसी का बकरा तो मैं लेके चलूंगा। ये तो बोलता हुआ बकरा है, तो एक दिन बालिस्टर बन जाएगा बहुत बड़े होकर के। ऐसा तो सही से जो है ना, मतलब ये अगर बोलता है ना इंसानों की तरह, पढ़ाएंगे लिखाएंगे इसको। तुम मुझे ये बताओ, मुझसे प्यार है बकरे से? ना प्यार तो तुझसे करूंगा डार्लिंग, तू तो समझ नहीं रही है बात को। ये एक बार से बुलवा के दिखवाइयो बाबू। ये बता, जून से पहले क्या आता है देख लो, बोला नहीं बोला? ये तो बहुत बढ़िया, ये तो एक बार हलवा, एक बार हलवा। अच्छा ये बता, हम दोनों में बकरा कौन है देख लो। ये तो बहुत बढ़िया, ये बकरा नहीं हुआ किसी को, तू तेरे पास घर चल, तुझे तो मैं अपने जो है ना, अपने मतलब उतरना ना दूंगा तुझे अपने पलंग पे से। मुझे चाय भी पलंग पे चाहिए। चिंता मत कर तू, मतलब माता पिता को भी बाहर निकाल लूंगा। मेरे पैरों में दर्द होगा तो कौन दबाएगा? मैं दबाऊंगा, चिंता मत कर, चिंता मत कर। मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है, झंडू बाम लगा के मेरे सिर को सहे रही है। चिंता मत कर, चिंता मत कर। चल ठीक है, तो ये बकरा तेरे पास ही रहेगा। ठीक है ठीक है।